नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर, जीके क्वेश्चन एंड आंसर। ये पार्ट 5 है और आगे के पार्ट आपको मिल जाएगा, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाता है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वाज इंडिया फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। ही वाज डैश कॉस्मोनॉट टू बी इन स्पेस इन द वर्ल्ड। तो ये राकेश शर्मा का तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 139। तो राकेश शर्मा इसका आंसर होगा सी 139। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोलॉजी इज द, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ मसल्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑप्शन डी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और इसके बारे में आपको नीचे लिखाया गया है, व्हाट इज फाइलोलॉजी। Philology is a study of language, study of old text, originally literary criticism, forms the foundation of modern linguistic literary criticism, literary theory, lexicography and English literary education as a whole. Next question, the 2006 World Cup football tournament held in kaha hua tha? 2006 का जो फुटबॉल टूर्नामेंट वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो अगर इसका आंसर पता है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन सी जर्मनी, जर्मनी में ये टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड एट, ये शायद आपको पता होगा सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सोलापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सालेम तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी वारंगल आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये इसका तस्वीर आप नीचे देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ब्लैक फ्लैग सिग्निफाइज, जो काला झंडा है वो किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए रिवोल्यूशन डेंजर, ऑप्शन बी पीस, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट और ऑप्शन डी ट्रूस। तो काला झंडा किसके लिए होगा ये तो सभी को पता होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटेस्ट। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग काला झंडा लगे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी इज, रिपब्लिकन पार्टी क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टीज इन यूएसए, ऑप्शन बी द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच हैज नो डेफिनाइट प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच चेंजेस with the change in the times and circumstances in the country or option D all of the above। तो आपको पता होगा रिपब्लिकन पार्टी एक यूएसए का पार्टी है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा D all of the above। ये रिपब्लिकन पार्टी जिसका अभी प्रेजेंट में यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी चल रही है और उसका डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी बिलोंग्स करता है।